देखिए ये तो वक्त बताएगा, हमें बहुत अच्छी तवक्कुआत है उनसे क्योंकि उनके बहाल होने में वकला का बहुत बड़ा हाथ है। अगर 14 मई वाले मामले पर सख्ती बरती जाती तो आज शायद ये दिन ना देखें। करना चाहिए जिन्होंने अदालती हुक्म पर अमल किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास सारे इख्तियार हैं और मैं समझता हूँ जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की है सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ सख्त सजाएं देनी चाहिए और मेरे ख्याल में इसमें कोई तजब्जब नहीं होना चाहिए। कमज़ोरी चूँकि दिखाई गई है तो इसलिए और भी हाथ से निकल गया है। अगर 14 मई वाले मामले पर सख्ती बरती जाती तो आज शायद ये दिन ना देखें। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है जिसने 14 मई को इलेक्शन नहीं होने दिया? सबसे जो उस वक्त की हुकूमत जिसने सिक्योरिटी फराहम नहीं की, उस वक्त के इलेक्शन कमीशन जिसने अहकाम की खिलाफ वर्जी की है और उस वक्त के फाइनेंस डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक जिन्होंने उनके लिए पैसे मुहैया नहीं। ठीक है, आप सब आगे कानून है, क्या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? बिल्कुल, बल्कि रिस्पॉन्सिबल ही प्राइम मिनिस्टर है जो कि उस वक्त का इंसामिया का सरबराह। अच्छा सर, दूसरी बात सर ये बताइएगा कि आप बुरे वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, जब पार्टी पर अच्छा वक्त आया तो फवाद चौधरी जैसे बंदे आगे आ गए, तो ये क्या सर पार्टी की बात छोड़े, आज हम वकीलों की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि वकला के इतिहाद बरकरार है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सामने है, जब भी मुश्किल वक्त आए वकला करते हैं और इंशाल्लाह वो रहेंगे। यहाँ कोई पार्टी लाइंस का डिवीजन नहीं होगी, पार्टी जो है वो अदालतों के बाहर होती है, अदालत के अंदर काला कोर्ट ही हमारा। आखिरी बात सर, 17 सितंबर को सर काजी चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब आ रहे हैं, वो जो चैलेंज उनके सामने है किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? देखिए ये तो वक्त बताएगा, हमें बहुत अच्छी तवक्कुआत है उनसे क्योंकि उनके बहाल होने में वकला का बहुत बड़ा हाथ है और हमें यकीन है कि वो वकला के इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उनकी पिटीशन में हमारी जितनी भी लीडिंग बार एसोसिएशन थी और लीडिंग बार काउंसिल थी सब ने खुल के उनका साथ दिया है। मैं खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से उनका वकील था, सुप्रीम कोर्ट बार का वकील था, बलूचिस्तान की बारों का वकील था, इसी तरह रशीद रिजवी साहब जो थे वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बार काउंसिल के वकील थे, यानी मुल्कगीर बलूचिस्तान की हर बार एसोसिएशन ने उनका साथ दिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वाज़े एक सबक है कि जब बार एसोसिएशन जजेस में खड़ी होती हैं इंडिपेंडेंट जज के लिए तो जज को अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो साबित करनी चाहिए। सर, कौमी असम्बली के जो इलेक्शन होने हैं आप समझते हैं कि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी साहब होंगे तो उनके होते हुए 90 दिन में इलेक्शन ना होंगे? देखिए ये तो उनके लिए एक इम्तिहान है आने वाले वक्त में, हम उम्मीद करेंगे। आज तक तो उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है आइन की सरबुलंदी और आइन पर अमलदारी के लिए, हम तवक्को करते हैं, सारी बार तवक्को करती है कि वो आइन के तकाजे पूरे करें। थैंक यू वेरी मच। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।